नमस्कार दोस्तों, नीरज कुमार ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों माँ आ चुकी है, आते ही माँ ने फिर चाय बना ली और अब हम बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। बैठकर घर परिवार के डिस्कस करी, बहनों के बारे में भी बात करी, सब ठीक हैं तो ऐसे ही बस डिस्कस चलती रही। मैं दोस्तों अकेला लेटे हुए था, बोर हो रहा था, तो माँ आई है। माँ को बुलाया है क्योंकि अकेले मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। बच्चे सब स्कूल चले गए तो माँ ने चाय बनाई, हमने बैठ कर चाय पी है। अरे मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा हूँ। ब्रूनी सो रही है, केट भी अपना कहीं घुस के सो गई, इस पर लू बन गया वीडियो। अच्छा इनको की तरह बाहर बना हुआ है जो कि सरकारी साथ रख रहे हैं। गाड़ी में भी ऐसा स्टैंड है। अच्छा ये तुम कह रहे हो आराम से अपना कितने बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ है। और ना चार ना इसमें चल जाएगा मामा। मैं बनाऊँ तो कोशिश तो कर रहा हूँ अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। फिर इधर आऊँ मैं, चलो बना लोग देख लेंगे किसी ने अच्छा लगेगा। तो राजस्थान में एक जो बना रहा है ना वीडियो, संजय नाम उसको, उसकी वीडियो मैंने बहुत अच्छी लगी और उसी से प्रेरित होकर मैं ये बनाने लगा हूँ वीडियो। अच्छा लगा वीडियो बनाना बहुत, डेली 10 मिनट की बनानी पड़े। वो तो संजय की बहुत ज्यादा चल गई, संजय स्वामी है उसका नाम, उसकी तो बहुत वीडियो चल गई। उसके तो कम से कम 20 लाख लोग को देखने वाले वैसे ही है, जो पक्के देखने वाले। बड़ी बहन का फ़ोन आया है दोस्तों, पूछ रही है कैसी तबीयत है, अब ठीक है या नहीं, खाने पीने का ध्यान रखना, आऊँगी मैं बेरा लेने 1-2 दिन में। मैं कहा ठीक है बहन आ जाना, 2-3 दिन का कष्ट और है। अच्छा पहले जब आदमी बीमार होए करता तो पूरी गली के लोग इकट्ठे हो जाए करते, के होगा ना। हाँ अरे पहले मेर थी चाया करते मानस में, आपस में बाजे जाया करते, हम भी बाजे जाए करते थे। पर पहले पैसा ना था ना जी, कोई पैसा ना था रा दुनिया का, एज भी था भाई। आपस में सारी गली गड़े हम जाती थी, पट्टी जाती ये रामलीला के गोया करता है। अरे ये सारे टाकर में भर के मारे करते, पूरा परिवार जाए करता, सूखे दे करता है। पहले हम चाय करते भाई, दोरे या चीज जाते सब की गल ले चाहिए। और इनके बोझ लागे करते एक दिन कमाए जाए, पहले मेर ममता की भी किराए किराए से हो गए। लोग वहाँ पर लुगाई आप इतने लोग रहने लगे, कोई किसी की जाते ना पूछ कर, वो है तो आपस में पूर्ण पकट मरेंगे किराएदार आकर। अगर आपस में विरोध कर लेंगे किराए के ऊपर तो भाई भाई का थप्पड़ मार दे। हाँ किराए पर उनके प्यार करेंगे, उन किराएदार आगे जो आप कर रहे हैं और अपने आप मार रहे हैं जो मन ठीक हो जाऊँ बस जल्दी से। मन हो रहा है तो ठीक होकर हटवार वो अब ठीक तो होले पहले। हरिद्वार में साल में 3-4 बना जाऊँ ना, इतना मन मन ना लगा। और फिर गाड़ी लंबी चलाइए होना चाहिए, बस सीधी जाओ ना। ISBT तो जाऊँगा बस में। हाँ गाड़ी वुड्डी का झंझट मत बढ़िए, गाड़ी ना चले मेरे तो इतनी लंबी ना, इतनी लंबी चले ना बस। अकेले में गाड़ी में कदे जाता है ना, पहली बात कमजोर हो गया था। पूरा परिवार साथ हो तो गाड़ी में जाऊँगा ना, तो नहीं ठंडा पानी
दियो खांड डाल दियो चम्मच। नींबू पानी सही डाला चाय बार बार ठीक ना हो। चाय तो घनी कब्जी बना हुआ है पर गर्मी हो आज। आज आज पपीता मंगा दो का जूस पी लिए गिलास। हाँ पपीते का जूस ठीक रहेगा। बड़ी बड़ी चीज मत ले एक मत छोटा तो चाहिए एक बात आके लो। हॉस्पिटल में तो कुछ ना दिया उन्होंने सिर्फ खिचड़ी खिचड़ी बस। हाँ तो वे कह देंगे उनके पैसे लगे ससरे के नींबू पानी के मत देते पतला दलिया उलिया। इतने बेकार हो रहे हैं 1,00,000 रुपया ले लिया और उसके बाद खाना दिया नहीं ढंग से। ऑपरेशन करे पास से बस पैसा हाथ में आएगा फिर। और हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड इतना बढ़िया पूछो मत। स्टैंडर्ड में पैसे खर्चे हैं बस। ऑपरेशन हो यार मरीज ने भगा दो घर सब जगह मारे मारी पैसे की चल रही आदमी की वैल्यू ना रही पति ना रही। और आजकल गेंदा डॉक्टर आए ही नगड़ी लूट मचा रखी हो अभी। पानी ठंडा मिला रही ना थोड़ा हाँ पानी हल्का सा ठंडा अक्षी का ही होएगी तो ना गर्म हो रहा है सुहाव ना गर्म पानी उल्टी गिर जाएगी। दो चिक्कू खाए थे उसके बाद चिक्कू खाने के बाद कुछ देना के केटी सब थी बेटा सोन देती देखो यार तो बहुत बढ़िया लेता है तू अच्छी लगी दादी को केक बहुत इतनी समझदार है इतनी समझदार है कभी वो बात करा है आदमी की सारी बात सुना है यो। दोस्तों बैठ लिए दिन में बोल लिए बतला लिए हेलो काफी दिनों बाद आई है माँ। अभी मैंने वो ओला से वो थ्री व्हीलर बुक कराया है क्योंकि मैं अभी गाड़ी चला नहीं पाऊंगा। ये गिर गया ऊपर से पेड़ का पेड़ के गिरते रहे ये आ गया थ्री व्हीलर। दोस्तों माँ आई थी चली गई सारा दिन बैठे बोले बतलाए बहुत अच्छा लगा। हॉस्पिटल से आने के बाद पेन कुछ ज़्यादा ही हो रहा था मुझे आज सुबह क्योंकि जो एनेस्थीसिया का असर था वो ख़त्म हो चुका था तो डोलो गोली मैंने सुबह ली उससे थोड़ा आराम हुआ और अब थोड़ा सा मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। अब थोड़ा टहल भी रहा हूँ कमरे में तो काफ़ी अच्छा लगा दिन भर। ठीक है दोस्तों आज के इस एपिसोड से मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद।